अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे के दूसरे दिन ढालपुर मैदान में देवी देवताओं के अस्थायी शिविरों में दर्शन के लिए आज श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। देवी देवताओं की पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ विधिवत पूजा अर्चना की गई और मंत्रोच्चारण के साथ पुष्प वर्षा की गई है। भगवान रघुनाथ के कारदार दानवेंद्र सिंह और देवता के पुजारी संजय कुमार ने बताया कि भगवान रघुनाथ के दिन में 7 बार आरती की जाती है और अगले 5 दिनों तक इसी तरह भगवान रघुनाथ की अस्थायी शिविरों में पूजा अर्चना की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बार दशहरा उत्सव में बड़ी संख्या में देवी देवता देव महाकुंभ में पहुँच रहे हैं। आज भगवान की जो क्रम वशेष पूजा है उसका आरम्भ हो चुका है। 8 बजे प्रातः पूजा हुई, अभी बड़ी पूजा हो रही है, आप देख रहे हैं। इसमें विशेष बड़ी पूजा में ये होता है कि जो प्रातः पूजा होती है उसमें सीता माता, रघुनाथ जी और हनुमान जी, शालिग्राम जी का स्नान हो जाता है, किंतु बड़ी पूजा में जो है भगवान नरसिंह जी का और रघुनाथ जी का श्रृंगार स्नान होता है। और यहाँ पर रोज जो है 7 आरतियां होंगी। देखिए आज अभी देवी देवता आ रहे हैं क्योंकि कई देवता कल शाम को कुल्लू पहुंचे और अभी जो आ रहे हैं, बिंदरे हैं, जा रहे हैं और उनको भगवान की तरफ से जो पुष्प दिए जा रहे हैं और आज भी ये इसी प्रकार से क्रम चलेगा। जितने भी यहाँ देवी देवता आए हैं सबकी पूजा वैसी होती है जैसे हमारे देवता के स्थान पे होती है। और जैसे हमारे देवता, जैसे कि मैं पूजा करता हूँ तो मैं सभी देवी देवताओं का नाम लेता हूँ। सुबह की पूजा हुई है, जैसे बजंती के साथ देवधुन के साथ यहाँ पूजा हुई, शक्ति दीवानी के साथ, और सभी देवी देवताओं की नाम लेके सभी रामचरण चरण में आए हैं और यह पूजा हो गई सुबह।